जो कि और सब राज्य में जहाँ जहाँ फॉरेस्ट्री कॉलेज है वहाँ पर रेंजर और एसीएफ की जो भी बहाली होती है वहाँ रेंजर और एसीएफ का योग्यता जो होता है बीएससी फॉरेस्ट्री होता है, जैसे कि उड़ीसा में, जैसा कि केरला में, कर्नाटका में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो भी वन का नियुक्ति नियमावली बना तो वहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। बहुत अफसोस की यह बात है कि ये एशिया का सबसे पहला डिग्री फॉरेस्ट्री कॉलेज है और यहाँ पर जो झारखंड बने हुए 18 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर नियुक्ति नियमावली पहले तो बना हुआ नहीं था। और जैसा कि अभी हमें पता चला है कि नियुक्ति वन विभाग में नियुक्ति नियमावली बना और वहाँ पर हम लोग का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया। सरकार से हमें यही मांग है कि ऐसा दुष्व्यवहार हमारे साथ क्यों हुआ, जो कि हम लोग यहाँ पर सरकारी परीक्षा देकर के आते हैं और ये जो संस्था है आप लोग को ये बता दें कि ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है। सरकार हमारे ऊपर लगभग 30 से 35 लाख रुपया खर्चा कर रहा है तो एक स्टूडेंट के ऊपर, तो ये मतलब सरकार का पैसा चाहे तो व्यर्थ हो रहा है, तो या फिर सरकार क्यों ऐसा कर रहा है, या फिर हर एक साल इतना जो बच्चा को यहाँ लिया जा रहा है, एडमिशन लिया जा रहा है, कि क्या मैं ये बात बोलूँ कि हर एक साल इतना बच्चा का क्या मर्डर कर रही है सरकार, यहाँ के बाद बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। हमें जो कि यहाँ 4 साल पढ़ाया जाता है, सरकार अपने साथी का धोखाबाजी कर रही है कि 4 साल जो वन विभाग के बारे में पढ़ाया गया, वन के बारे में पढ़ाया गया और वन विभाग में नियुक्ति किया जाएगा तो कोई अदर को कर दिया जाएगा। जैसा कि आप बोलने सरकार से क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहे आरएफओ और एसीएफ के लिए उसमें बीएससी फॉरेस्ट्री रहे, झारखंड सरकार से हमारे यही मांग है। जैसे कि एमबीबीएस अगर पढ़ा रही सरकार, जैसे रिम्स में यही सेम एग्ज़ाम जेसीसीबी के थ्रू जो बच्चे लोग ऊपर रहते हैं उन लोगों को मिलता है एमबीबीएस, तो वो लोग को डॉक्टर बना रही है ना सरकार, क्यों नहीं वो लोग में दे देती है बीएससी नर्सिंग को या फिर सिंपल कोई भी बीएससी ग्रेजुएट करके आए हुए हैं उनको दे दिया जाए। वैसे ही यहाँ पर हमारे साथ साथ वन का भी और पर्यावरण का भी, सरकार के पैसा का भी, सबका दुष्प्रयोग हो रहा है। और जो कि ये रघुवर दास सरकार का यही कहना है कि वन बचाइए, एक हम एक और पेड़ भी एक लगाइए, इस टाइप से जो उनका ये कलाम है, तो क्या वो जो काम कर रहे हैं तो क्या ये सही है? अगर सरकार पूरा नहीं कर पाती तो अब आगे क्या? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 9वां दिन है, 10वां दिन है यहाँ तालाबंदी का, और हम लोग इससे भी आगे तक जाएंगे और अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग बता रहे हैं और हम लोग इससे आगे तक जाएंगे, राजभवन में भी धरना देंगे, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, आजाद नहीं होगा तो आत्मदाह कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले अभी से 2 साल पूर्व पहले एक बैच में 22 बच्चे आते थे झारखंड सरकार के थ्रू और उस अभी यहाँ पर 40 बच्चे आ रहे हैं झारखंड सरकार के थ्रू और 3 बच्चे आते हैं आईसीएआर के थ्रू। मेरा नाम फिरोज अहमद, आप यहाँ के स्टूडेंट? हम यहाँ के स्टूडेंट हैं। 10 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमारी सरकार से बस एक ही मांग है कि हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जो पॉलिसी उन्होंने निकाला है उसमें हम लोग के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है, तो क्या हम लोग यही समझ लें कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उन लोग का यहाँ आना वेस्ट है, तो हम लोग ना पढ़ें? हम लोग का लाइक अगर अभी हम लोग इतने लोग पढ़ के डिग्री ले रहे हैं तो हम लोग यही मान सकते हैं कि हम लोग इतने सरकार इतने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तरफ भेज रही है, क्योंकि हम लोग का जैसे कि सर बताएं हमारे जैसे कि एमबीबीएस का कोर्स हो गया और फिर जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया, उनके बाद उन लोग को उस चीज़ में जिस चीज़ के बारे में वो लोग इतने सालों से पढ़े हैं उस चीज़ में उन लोगों को मिलती है जॉब। और हम लोग का डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री, तो हम लोग फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हम लोग को इसके बाद जॉब नहीं मिलेगा, हम लोग जा रहे हैं बैंक में कॉम्पिटिशन लड़के जैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन दे के आए हैं, तो
तो इसके बाद हम लोग को जो मिलना चाहिए फॉरेस्ट्री में जॉब, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग ले रहे हैं बैंक में जॉब और बाकी सारे सेक्टर्स। डिग्री मतलब डिग्री लेने के बाद भी जो कोई फायदा नहीं, हम लोग ले रहे हैं फॉरेस्ट्री का बीएससी। नियोजन को सुनिश्चित करना है, ये मांग है ना आपको, ये बताइए इन शॉर्ट में। मेरिट से सब आते हैं हम लोग यहाँ, हम सब जिस चीज़ का पढ़ाई किए, चार सालों से पढ़ाई करके हम लोग जिस चीज़ में हम लोग जो जॉब लेना चाह रहे हैं वो हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इसके जगह पे हम लोग का जो नहीं है, हम लोग अदर कुछ पढ़ के दूसरा कंपटीशन इसके बाद जॉब लेंगे। आपने ताला क्यों बंद किया यहाँ पे, सबसे बड़ी सवाल क्योंकि आपकी आपके प्रशासन आपके डीन कहते हैं कि हम स्टूडेंट का सहायता कर रहे हैं, फिर भी आपने यहाँ ताला बंद कर दिया। क्यों सहायता जो भी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हम लोग को दिख नहीं रहा है। हम लोग को कोई आश्वासन दे कि हाँ हम लोग का सहायता हुआ है, आपका काम यहाँ तक पहुँचा है, तो हम लोग कुछ समझे, हम लोग शांत बैठे। हम लोग शांत बैठ ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। कितने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं तो कुछ हुआ है। अभी हमने आपके डीन से बात की थी, उसमें आप भी थे, मतलब क्या उन्होंने सही कहा? देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी तक तो कोई हमको रिजल्ट नहीं दिखता है, मतलब वो भी है। आपके साथ हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन भी सब अभी तक कोई सही जवाब नहीं दे रहा अधिकारी हैं वो तो जहाँ जिस हद तक बोले हैं बहुत कुछ आपको सही बताए हैं, उस हिसाब से हम लोग का मेन जो हम लोग का गवर्नमेंट जो निकाल रही है ये पॉलिसी का मैटर, मेन गलती तो वहीं से हुई है। मेरा नाम कोमल है। हमें चाहिए।